शहर के प्राचीन राम मंदिर में आज रामनवमी के अवसर पर भव्य उत्सव मनाया गया। मंदिर को तरह तरह की लाइटों से सजाया गया। रामनवमी उत्सव समिति की ओर से आज रामनवमी के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। शहर से आज सुबह भव्य बाइक रैली निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में राम भक्त शामिल हुए। शाम को रामनवमी उत्सव समिति की ओर से भव्य रैली का आयोजन किया गया है। इस ऐतिहासिक रैली में कई प्रस्तुतियां आयोजित की गई हैं, साथ ही बैंड दस्ते ने विभिन्न धार्मिक प्रदर्शनों का आयोजन किया है। रामनवमी के अवसर पर शहर में उत्सव का माहौल दिख रहा है। हिंगनघाट शहर को जगह जगह केसरिया पताकाओं से सजाया गया है। आदाब म्हणालो, राम हिंगनघाट येथील राम मंदिरात सकाळपासून जे आहे राम मंदिरात भक्ताची रेघ लागली आहे। सकाळी राम मंदिर उत्सव कमिटीकडून अनेक कार्यक्रमाचे आयोजन केले गेले होते। सकाळी बाईक रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते, तेव्हा संध्याकाळी अनेक कार्यक्रम मोठे भव्य प्रमाणात करण्यात आहे। मोठी रॅलीसुद्धा या ठिकाणून होणार आहे। तेव्हा राम मंदिराचा या पुरातन अशा राम मंदिरात आलो आपण हिंगनघाटच्या। तुम्ही पाहू शकता हे मंदिर जे आहे अखंड काळासून म्हणजे पुरातन काळात बनलेलं असंच काही मंदिर आहे असंच काही म्हणावं लागेल। अनेक भाविक जे आहे मोठ्या प्रमाणात आज राम जन्मोत्सव असताना मोठ्या प्रमाणात आपल्याला दृश्यांमध्ये दिसत आहे। त्यांनी आपली उपस्थिती दर्शवली आहे आणि राम मंदिरात येऊन रामाचे दर्शन घेतलेले आहे। असेच काही दृश्य हिंगणघाटच्या राम मंदिर या परिसरात दिसत आहे। NBCN न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवि यनौरकर की रिपोर्ट।